जगदलपुर 8 अगस्त से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के मदन मोहन मालवी वार्ड नैयामुड़ा तिरंगा चौक में स्थित श्री बाबूलाल पाल के घर की एक दीवार 8 अगस्त की रात को गिर गई, जिसमें श्री बाबूलाल पाल सहित उनकी पत्नी निर्मला, पुत्र इमानुएल पाल और बेटी निशा पाल दबकर घायल हो गए हैं। रात में ही इन चारों को 112 की मदद से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां श्री बाबूलाल पाल की मौत हो गई, जबकि घायल का उपचार जारी है। कलेक्टर डॉक्टर अय्यर तंबोली ने सूचना प्राप्त होने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। जगदलपुर के विधायक श्री रेखचंद जैन ने आज डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर मृतक की पत्नी को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। विधायक ने इस घटना को दुखद बताते हुए मृतक के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में शासन और प्रशासन पीड़ित परिवार की साथ है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।